आज स्टेट का थर्ड ओलंपिक स्टार्ट होने वाला है, एज अ स्पोर्ट एंड यूथ मिनिस्टर आप क्या कहना चाहोगे सर? ना, मैं ये आपका मैडम से ये कहना चाहूँगा कि आज स्टार्ट स्टेट ओलंपिक गेम्स होने जा रहा है एंड जितना भी जो पार्टिसिपेंट है और उसको मैं कंग्रेचुलेट देना चाहूँगा कि और यही एक हमारा अरुणाचल प्रदेश के लिए यही एक बहुत ही अच्छा एक हमारा युवा लोग का जो टेलिंग हंट है स्पोर्ट्स को। सर आपको पता है मतलब करीबन कितने डिस्ट्रिक्ट या कितने पार्टिसिपेट यहाँ में प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? पार्टिसिपेट एग्जैक्टली नियर अबाउट 1800 समथिंग पूरा डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है जी। और ये एक बहुत ही ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये ओलंपिक इसी से हमारा जो स्टेट ओलंपिक्स इससे हम लोग टारगेट करेंगे कि हम लोग आने वाला जो ओलंपिक है इंटरनेशनल ओलंपिक एंड नेशनल ओलंपिक में हम लोग इसी से जो अच्छा खिलाड़ी है इसको हम लोग अपग्रेड करके फिर कोचिंग दे के उसको कोचिंग करवा के हम लोग आगे उसको खेलने देंगे हम लोग। सर सांगे लेजेंड जो स्पोर्ट एकेडमी है वो स्टेट का अभी तक का लौटता एक स्पोर्ट एकेडमी है, तो आप खुद अभी आए हो तो आपने देखा होगा रोड कंस्ट्रक्शन कनेक्टिविटी बहुत पुअर है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो सर? इसके लिए इस बार भी हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार फंड रखा हुआ है हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आपने बजट में देखे होंगे कि हमारा संगे लाडेन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल एकेडमी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम लोग फंड रखा हुआ है एंड आपके माध्यम से हम पूरा जनता को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी एंड सेंटर में जो अपना जो माननीय मंत्री किरेन रिजिजू साहब ने दोनों मिल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस बार हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ में अपना संगे लाडेन स्कूल को अपग्रेड करने के लिए वहाँ से कोच भी भेजा है और उसके लिए फंड भी कुछ भेजा हुआ है, तो इसको हम लोग देखिए आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो थोड़ा समय लगता है वो सारा चीज़ जो जो डिसिप्लिन का है जितना जो स्पोर्ट्स का डिसिप्लिन है उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी बन रहा है और शायद आप देखे होंगे कि इसमें जितना है वो पूरा अपग्रेडेशन हो रहा है। जी सर एक सवाल जो मैंने आप लास्ट ईयर जब 2019 को आप इंडक्शन हुआ था मिनिस्टर तो पहला इंटरव्यू आपके साथ में मैंने रखा था, तो एक सवाल था कि हमें खबर मिली है सोर्सेज के द्वारा कि काफ़ी जो स्पोर्ट्स जो स्टेट के लिए स्पोर्ट पर्सन जो स्पोर्ट्स के लिए खेलते हैं तो जो जैसे प्रोटीन जो डाइट उन्हें मिलना चाहिए जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा मिलना चाहिए डिपार्टमेंट के द्वारा वहाँ पर बहुत कमी रह रहा है, बहुत सारा चीज़ नहीं मिल रहा है, तो उसको भी आपने कहा था कि आप जाँच करेंगे उसके बाद बताएंगे, तो सर उसको आपने कुछ किया सर? उसके लिए आप लोग जो डाइट लिए हैं अभी हम लोग डाइट मेंटेन के लिए डाइट के लिए हम लोगों ने उसके लिए एक कमिटी हम अभी आने वाला कुछ महीना में हम बना रहा है कि कौन सा कैसे डाइट दिया जाएगा और कौन सा स्पोर्ट्स में और कैसे स्कूल में या अपना जो संगे लाडेन एकेडमी में तो कोई इतना ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, या हमें जिस हिसाब से जो डाइट मिलना चाहिए स्टूडेंट को वो पूरा दे रहा है, सरकार पूरा दे रहा है, उसके लिए कहीं कमी नहीं रखा हुआ है हम लोगों ने। और बाहर जो खेलने के लिए जो जाएगा उसके लिए भी हम लोग ये ओलंपिक यहाँ से स्टेट लेवल सिलेक्शन होने के बाद फिर उसको हम लोग डाइट का भी हम लोग ख्याल रखेंगे। जी सर आखिरी में एज अ कंसर्न मिनिस्टर सर जो आज यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं जितने भी अराउंड 1000 अबव जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट करने हैं, आप क्या मैसेज देना चाहोगे सर? मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितना भी जो प्लेयर्स है और मैं हृदय से और सरकार की ओर से मैं हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर से मैं वही आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि खेल जो है जो खेलने वाला जो खिलाड़ी है जो उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, वो खेलने से सिर्फ नहीं होता तो खेल का मैदान में भी अपना डिसिप्लिन और अपना जो हिडन टैलेंट है वो डिसिप्लिन का साथ लोगों को दिखाए और लोग उसको सीखे कि खिलाड़ी को किस प्रकार से डिसिप्लिन का साथ खेलना चाहिए, तो मेरा वही मैसेज रहेगा कि सब अच्छा से खेले और अपना जो हिडन टैलेंट को यही एक अपना प्रदेश का जो युवा लोग खिलाड़ी के लिए ये एक बहुत ही बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो उसके लिए सरकार ने उसके लिए धनराशि फंड पूरा दिया गया है और ये दो साल के अंदर में हम लोग ये हमेशा इस प्रकार का जो ऑर्गेनाइज करते आया है। देन आई कंग्रेचुलेट एंड विश द ऑल द प्लेयर्स हाँ तो अच्छा से खेले और मन से खेले और डिसिप्लिन का साथ खेले। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सबसे पहले आपको स्वागत
ये बहुत अच्छा है, मुझे अरुणाचल प्रदेश में आके बड़ा अच्छा लगा है। और मैं क्योंकि खुद हिल स्टेशन से हूँ उत्तराखंड से, और देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। और जब मैं किसी भी हिल स्टेट में मैं खेल को देखता हूँ तो मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। और स्टेट गेम थर्ड टाइम होने जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो मेरे लिए एज ए सेक्रेटरी जनरल IOA बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ मैं यहाँ आके कि एक छोटी सी स्टेट जो स्पोर्ट्स में इतना अच्छा काम कर रही है, मेरे लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट है। नहीं, नॉर्थ ईस्ट को हम लोग वैसे भी बहुत तवज्जो देते हैं ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर, और क्योंकि आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ही इज़ ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, और वो खुद अपने आप में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं कंट्री के लिए। मेरे हमारे मित्र भी हैं, पुराने मित्र हैं, और मैं सोचता हूँ अभी जो टीम काम कर रही है स्पोर्ट्स के अंदर इंडिया के अंदर, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स का। तो हम जो भी अच्छी स्कीम्स हैं जो वर्ल्ड वाइड चल रही हैं वो इंडिया में भी चालू हो गई हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ यहाँ से बच्चे मेडल लेके निकलें, और मेडल लेने के बाद जो भी उनका अचीवमेंट है यहाँ का, वो हमारी नेशनल कंपटीशन में भी उनको आगे उनको लीड लेके चलेगा। ये 3 दिन का ओलंपिक गेम्स, स्टेट ओलंपिक गेम्स यहाँ पे आयोजन कर रहा है, जो हमारा जो होस्ट जो अपना जो एसोसिएशन है वो अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन का माध्यम से ये हर एक 2 साल में ही यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो इस बार का इवेंट में कुल मिला के हम लोग 15 गेम्स को लेके इस इवेंट को कंडक्ट कर रहा है, जिसमें लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए हैं। ये 3 दिन का एक्टिविटी होगा। तो स्पोर्ट्स का इस पेयर में हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश अभी काफ़ी अच्छा हम लोग प्रोग्रेस कर रहा है। तो हमारा सरकार का लक्ष्य ये रहेगा कि आने वाला दिनों में सबसे बड़ा इवेंट नेशनल गेम्स बाय 2026 हम लोग यहाँ पे होस्ट करेंगे। इसका ऑलरेडी मैंने मिनिस्ट्री में भी डिस्कशन हुआ है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का साथ भी इसका डिस्कशन हुआ है। तो 2026 अभी हमारे पास 6 साल है, तो इस 6 साल में स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है राज्य के लिए, उसको मैं फोकस वे में हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। जी सर, जैसे आपने कहा कि इन कंपेयर टू दूसरे स्टेट्स नोटिस के हमारे जो अरुणाचल प्रदेश है वो बहुत आगे जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन सर काफ़ी मतलब सोर्सेज के द्वारा हमें खबर मिली है कि जो यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, साथ ही साथ जो नेशनल जाते हैं, तो जो एलिमेंट्स उन्हें मिलना चाहिए बेसिक एम्यूनिटीज ना, तो वो कमी रह जाता है कहीं ना कहीं। तो एज अ चीफ मिनिस्टर आप इसे किसे लुक आफ्टर करने वाले हैं? देखिए, इसमें शायद स्पोर्ट्स का किस प्रकार से फंक्शनिंग हो रहा है शायद आप लोगों को भी उतना शायद मे बी नॉलेज नहीं होता होगा एज एन मीडिया पर्सन, लेकिन इसमें यह है कि हर एक स्पोर्ट्स का, अगर फुटबॉल है तो फुटबॉल का अपना एसोसिएशन होता है, कराटे है तो कराटे एसोसिएशन अलग होता है, बॉक्सिंग है तो उनका एसोसिएशन अलग होता है। तो प्राइमरीली क्या होता है कि वो ओलंपिक एसोसिएशन का बैनर में सारा एसोसिएशन लोग आता है, तो कहीं भी जो इवेंट्स होता है तो अपना एसोसिएशन वाला उसको पहले टेक केयर करता है, उसको फिर सपोर्ट में हमारा राज्य सरकार उसमें हम लोग चिप इन करते हैं। हाँ, ये बात सही है, अभी जिस प्रकार से जो हेल्प हमारा स्पोर्ट्स के फेटर्निटी में जो मिलना चाहिए था अभी तक उतना मिल नहीं पाया है, तो इसलिए मैंने जो कहा है कि हमारा 15 फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है, ज़्यादातर में फंड्स हमारा स्पोर्ट्स एंड यूथ प्रमोशन के लिए ये 5 साल में हम यूज़ करेंगे। जी सर, और एक सवाल रहेगा जो कमिंग अप जो नॉर्थ ईस्ट यूथ फेस्टिवल जो तवांग में होने वाले अप्रैल के महीने में, तो सर काफ़ी सारे लोग नॉर्थ ईस्ट के पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो सर कम्युनिकेशन को आप कैसे देखोगे, क्योंकि अभी भी सेलर टॉप में जो मतलब स्नोफॉल हो रहा है? तो सर नहीं, शायद इसमें अभी हमको कल परसों खबर मिला था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूथ फेस्टिवल एक्चुअली पहले होना था लेकिन वो कुछ कारणवश हो नहीं पाया। अब इस बार शायद शेड्यूल था 10 से 12 तक, तो इसमें फिर खबर मिला है कि कोरोना वायरस को चलते हुए थोड़ा सा उसको फिर पोस्टपोन करने का मूड में है, इस प्रकार से हमको कम्युनिकेट किया था। जी सर, आपने कोरोना वायरस का बात निकाली दिया, तो हमारा जो स्टेट है वो बहुत प्रिकॉशन ले रही है इसको लेकर, लेकिन सर काफ़ी जो हमारे अरुणाचल के भी स्टूडेंट जो दिल्ली एरिया में जो मेट्रो सिटी में पढ़ रहे हैं, इवन जो नॉर्थ ईस्ट के लोग वहाँ पढ़ रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं कुछ भी, तो उन्हें बहुत रेसिज्म फेस करने को मिल रहा है। तो एज अ चीफ मिनिस्टर आप दिल्ली के या मेट्रो सिटीज़ के गवर्नमेंट को या किसी को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, इन जनरल देखिए, कोरोना वायरस जो है वैसे तो ये WHO ने भी इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया है, शायद कल के न्यूज़ में हमने देखा था,
तो इसके चलते हमारा राज्य में अपना स्टेट का अगर बात करें तो यहाँ में हम लोग पूरा अपना प्रिवेंशंस हम लोग यहाँ पे ले रहा है। और कोरोना वायरस को लेके मैं आप लोगों का माध्यम से कहना चाहूँगा कि अपने राज्य की जितनी भी जो जनता है कि उससे पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि मीडिया के थ्रू से हो गया या सोशल मीडिया के थ्रू से हो गया, कुछ कुछ गलत इसमें र्यूमर्स चल जाता है, उससे लोग पैनिक हो जाता है। कोरोना वायरस को लेके उतना डरने वाला बात बिल्कुल नहीं है, केवल आप लोग सावधानी बरतना ज़रूरी है, अपने हाथ जो है उसको अच्छी तरह धोना ज़रूरी है। लोग आपके सामने में कोई छींकता है तो उससे थोड़ा सा कम से कम 1 मीटर दूर होके या अपना मुंह ढक के जो खांसने वाला उसको उल्टा हम लोग सजेस्ट करना है कि आप खांस रहे इसलिए आपको मास्क यूज़ करना है। जो लोग नॉर्मल है जो नहीं खांसता है उसको मास्क भी यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। और हमें पता चला है कि यहाँ पे मार्केट में सैनिटाइजर्स भी पूरा ख़त्म हो रहा है। सैनिटाइजर्स का ज़रूरी नहीं है, आपके पास ये साबुन होता है उसमें आप रेगुलरली हाथ हैंड वॉश करने से ये हो जाता है। तो बेसिकली हम लोग खुद अपना प्रिवेंटिव मेजर्स लेने से इसमें कोई अलार्मिंग वाला बात बिल्कुल नहीं है। राज्य सरकार जो है हमारा जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और जनरल हॉस्पिटल्स है उसको हम लोग क्वारंटीन के लिए हम लोग ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है। इसके अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर्स लोगों को मैसेज दे के रखा हुआ है कि और भी एडिशनल ज़रूरत होने से क्वारंटीन के लिए अपना जगह आइडेंटिफाई करने के लिए। और आइसोलेशन के लिए हमारा ट्रिम्स और हमारा पासीघाट का जो हॉस्पिटल है उसको हम लोग ने ये आइसोलेशन के लिए हम लोग ने आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है।